भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त मुहिम से निकली हुई पार्टी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली पार्टी। पार्टी का नाम रखा गया आम आदमी पार्टी और कर्ता धर्ता बने अरविंद केजरीवाल। और उम्मीद से परे इस पार्टी के बनने के बाद दिल्ली में 3 बार बहुमत की सरकार बनाई, जबरदस्त बहुमत की सरकार, पंजाब में सरकार बनाई। लेकिन इस समय पार्टी का सबसे मुश्किल दौर है, सबसे बड़ा संकट का दौर, वो भी तब जब लोकसभा के चुनाव तकरीबन सामने हैं। सिटिंग सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिद ये भी है कि जेल से सरकार चलाएंगे। उसके पहले सारी टॉप लीडरशिप ऑलरेडी जेल में है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम लोग पहले से जेल में। अब ऐसे में मेरे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली की कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी है, बड़ी चुनौती भी है, बड़ी भूमिका भी है। आतिशी, बहुत स्वागत है। नमस्कार गरिमा। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि ईडी, देश की स्वायत्त संस्था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अदालत में ये कहती है कि शराब घोटाले के किंगपिन हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए गरिमा जी, वो जो आपने अभी वाक्य यूज़ किया उसमें जो शब्द स्वायत्त है ना, वो सही नहीं है। आज इस देश में चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, अब स्वायत्त संस्थाएं नहीं रही हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का एक राजनीतिक हथियार बन गई हैं। आप देखिए ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की पिछले 5 सालों की उनकी किसकी इन्वेस्टिगेशन करी, किसको समन किया, किसको रेड किया, उस पूरी फहरिस्त में आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सरकार नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की सरकारें मिलेंगी। दूसरा इसका इंटरेस्टिंग पक्ष, जैसे ही वो विपक्ष के किसी नेता पे केस करते हैं, रेड करते हैं, उनको जेल जाने की धमकी देते हैं, तो फिर कई सारे नेता जिन्होंने हो सकता है भ्रष्टाचार किया हो, वो अपनी विपक्ष की पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, वो अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, सारा केस खत्म हो जाता है। जो 2 लेटेस्ट केसेस हैं, छगन भुजबल और अजीत पवार, ये दिखा देते हैं, प्रफुल्ल पटेल, यस, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल, ये दिखा देते हैं कि ईडी बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सीबीआई बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। छगन भुजबल के खिलाफ सालों से केस चल रहे थे ईडी में, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, ईडी बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या कहती है कि जी हमारे ना कागज खो गए, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल 2 दिन पहले 70,000 करोड़ का एयर इंडिया एविएशन स्कैम, इतने सालों से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। साल भर पहले काफी आधिकारिक खबर थी कि प्रफुल्ल पटेल गिरफ्तारी की कगार पर थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कल 2 दिन पहले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। इसकी तो फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन आतिशी मैं ये पूछूंगी आपसे कि आप तो कट्टर ईमानदार हैं, आप तो अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी कहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को अपने फोन का पासवर्ड उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देने में क्या तकलीफ है? आप ईमानदार हैं? देखिए ईडी ने खुद कहा, ईडी का अपना बयान है, शायद उन्होंने कोर्ट में दिया है, आजकल ईडी मीडिया में भी स्टोरीज प्लांट करती है। ईडी का खुद का बयान है कि जो फोन अरविंद केजरीवाल के पास एक्साइज पॉलिसी की फॉर्मेशन के समय था, वो फोन अब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। जो फोन उन्होंने जब्त किया है वो एक रीसेंट फोन है, कुछ महीने पुराना फोन, दैट ओल्ड वन हैड बीन डिस्ट्रॉयड, वी डोंट नो, दे क्लेम वो, तब जो भी रीजन हो, देखिए इंसान फोन खरीदता है, बदलता है, ये तो एक नए जमाने का तौर तरीका है कि 1-1.5 साल में इंसान फोन बदलता है। ईडी ने खुद कहा कि जो फोन एक्साइज पॉलिसी के दौरान, देखिए एक्साइज पॉलिसी कब बनी, लेट 2020 टू मिडल ऑफ 2021, नवंबर 21 से अगस्त 22 तक लागू हुई, उस बात को आज 1.5 साल हो गया है। तो ईडी को अरविंद केजरीवाल का 4 महीने पुराने फोन का पासवर्ड क्यों चाहिए? लेकिन देने में क्या तकलीफ, पर उनको चाहिए क्यों? देखिए आज उसमें एक्साइज पॉलिसी से तो रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा, पिछले 4 महीने में क्या मिलेगा? इंडिया अलायंस के किन पार्टनर से अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है, लोकसभा के कैंपेन की क्या स्ट्रैटेजी है, आम आदमी पार्टी जिस जिस सीट से चुनाव लड़ रही है, हमने कैंडिडेट क्यों चुना, कैसे चुना, हमारे हर सीट के, हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे सर्वेज क्या कह रहे हैं, हम हर हफ्ते सर्वे करवाते हैं,
तो जो आज इन्फॉर्मेशन अरविंद केजरीवाल के फोन पर है उसका फायदा सिर्फ बीजेपी को है, उसका कोई फायदा ईडी को अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है। तो आज ईडी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर काम करती है। आपने इस पूरे केस में देखा होगा, पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर ईडी समन भेजती है, फिर भारतीय जनता पार्टी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर ईडी दूसरा समन भेजती है। लेकिन ये तो हो सकता था आतिशी, क्योंकि अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम है, लोकसभा बिल्कुल दरवाजे पर चुनाव खड़ा हुआ है। बेहतर होता कि वो जो 10 समन भेजे गए, अगर पहले ही समन पर या दूसरे समन पर अरविंद केजरीवाल खुद चले जाते तो ये समय जो बड़ा क्रूशियल था इस पर ये हैपनिंग, ये सब ये हो रही होती। समन्स लीगल थे कि इलीगल, वो तो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है, ये मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में भी चल रहा है। ईडी खुद नॉन अपियरेंस फॉर समन्स पे अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट लेके गई, कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। अगर समन पे ना जाना इलीगल था तो ईडी कोर्ट क्यों गई? उन्होंने कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? कोर्ट डिसाइड करके कह देता कि नहीं अरविंद केजरीवाल को आना ही आना है तो अरविंद केजरीवाल जी चले जाते। क्यों ईडी ने इंतजार नहीं किया? क्योंकि ईडी को पता था कि अभी कोर्ट की कार्रवाई में एक दो महीने लगेंगे और एक दो महीने में लोकसभा का चुनाव निकल जाएगा, तो फिर अरविंद केजरीवाल को ईडी में बुलाने का भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिलेगा? फायदा तो आज मिलेगा जब लोकसभा का चुनाव है, जब अरविंद केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स के लिए देश भर में कैंपेन करने जाते, तो फायदा तो उनका, उनको जेल में डालने का आज है। लेकिन आतिशी, जेल में डालने का फायदा, चलिए चुनाव में ये एक पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, लेकिन जेल से सरकार अरविंद केजरीवाल कैसे चलाएंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में। जब जब ऐसा हुआ तो या तो इस्तीफा दिया उस व्यक्ति ने या फिर नॉमिनेट किया किसी को। कैसे चलाएंगे? इस देश संवैधानिक संकट साथ है क्या? इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव की घोषणा के बाद आप विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे, देश की 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट एनी कन्विक्शन। लेकिन ये पहली बार हुआ है। ये प्रैक्टिकल समस्या आ गई ना आपके सामने, संवैधानिक तौर पर भी और नैतिक तौर पर भी ये प्रैक्टिकल संभव नहीं दिखता कि आप जेल में कैबिनेट मीटिंग अटेंड करें जेल से, क्योंकि पद और गोपनीयता की शपथ भी ली है मुख्यमंत्री ने। वहां रहते हुए जो ऑर्डर अगर जारी हुआ भी तो वो अधिकारियों के दरमियान से गुजरेगा, तो कैसे ये संभव है? देखिए गरिमा जी, 2014 के बाद से एक साल, दो साल, तीन साल में हमने देखा। 2017 में पहली बार गोवा का चुनाव हुआ था, वहाँ पे बीजेपी के मेजॉरिटी से कम आए, लेकिन किसी तरह से दाव पेच करके उन्होंने सरकार बना ली। उसके बाद यही मणिपुर में हुआ, यही अरुणाचल प्रदेश में हुआ, यही कर्नाटक में हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का एक SOP बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, जिसे हम आज ऑपरेशन लोटस कहते हैं, कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, पैसे देते हैं, धमकियां देते हैं, और मेजॉरिटी ना होने के बाद भी दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकार बना लेते हैं। तो इनको कई साल लगे हैं ये फॉर्मूला डेवलप करने में। अब भारतीय जनता पार्टी एक इससे ज़्यादा आसान फॉर्मूला बना रही है। अब उनके हाथ में ईडी है, PMLA एक ऐसा कानून है जिसमें आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। ये आपके पास दुरुस्त है। नहीं, तो ये उनका नया फॉर्मूला है कि ईडी का इस्तेमाल करके PMLA लगा के आप मुख्यमंत्री पे केस लगा दीजिए, आप उनको गिरफ्तार कर दीजिए, फिर कहिए या तो इस्तीफा दो या हम सरकार गिरा देंगे, राइट? ये तो ऑपरेशन लोटस से बहुत आसान तरीका है। तो जहां में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी वहां पे मुख्यमंत्री पर केस होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को जेल डाला जाएगा, मुख्यमंत्री को फिर कहा जाएगा रिजाइन करो, नहीं हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो ये तो विपक्ष की सरकारें गिराने का सबसे आसान तरीका है। तो क्या आतिशी, आपने राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया, अब ये संकट भी है क्या? क्योंकि LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी, तो ये भी संकट है क्या कि दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ भी बढ़ रही है? देखिए ये तो यही तो इनका मकसद था। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया है? भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दो कारणों से गिरफ्तार किया है। एक कि वो लोकसभा चुनाव में कैंपेन ना कर सके, दूसरा कि आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा दें। ये दो कारण है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है, वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अब दिल्ली में जीत ही नहीं सकते, उनको पता है।
आप 2015 का चुनाव देखिए, 67 सीटें आई आम आदमी पार्टी की। इन्होंने हर संभव कोशिश करी, काम रोक दिया, एमएचए से नोटिफिकेशन निकाल लिया, चुनी हुई सरकार की ताकत छीन ली, लेकिन फिर भी 5 साल बाद। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आतिशी आपसे कि ये जो संकट राष्ट्रपति शासन का आप जिसकी तरफ इशारा कर रही है, ये होता हुआ दिख रहा है दिल्ली में? देखिए, यही तो भाजपा 25 मई से पहले दिख रहा है या बाद में दिख रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, वो दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं। वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार उनको पचती नहीं है। देखिए, उन्होंने इतनी कोशिश करी, उसके बाद 2015 में हम जीते 67 सीटों के साथ, 2020 में उनकी हर कोशिश के बाद भी हम 62 सीटें लेके आ गए, फिर भी 90% से ज़्यादा सीटें दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की। उसके बाद एमसीडी का चुनाव आया, एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ना हारे उसके लिए उन्होंने एमसीडी भंग कर दी, एक नया कानून लेके आए, सारी सीटों की डिलिमिटेशन करी, एमसीडी का चुनाव और गुजरात का चुनाव एक समय पे करवाया, उसके बाद भी हार गए। तो देखिए, अब उन्हें पता चल गया है वो कुछ भी कर ले वो दिल्ली में चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन की तरफ, इसलिए वो अब दिल्ली में बैकडोर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, आप देखिए कुछ दिन में जरूर ये खबर निकल के आएगी। बार बार पिछले 2 सालों में इन्होंने हमारे विधायकों को अप्रोच करने की कोशिश की है, 1.5 महीने पहले भी हमारे 7 विधायकों से तो हमें पता चला था, जिनको बीजेपी ने अप्रोच किया था यही कह के कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो तुम्हारी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, इसलिए इससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अब मैं तुम्हें मंत्री बनाएंगे। तो आज भी आई एम श्योर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही होगी, लॉ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की, होम मिनिस्ट्री की, सॉलिसिटर जनरल की मीटिंग्स चल रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे रिपोर्टर्स हमें बताते हैं कि ऐसी खाना फूसी वहां पे चल रही है। देखिए, उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इसकी प्लानिंग कई महीनों से चल रही। तो मैं यहाँ से 2 सवाल आपसे पूछती हूँ। आपने एक जिक्र किया पार्टी में टूट का, उससे पहले लेकिन मैं ये पूछती हूँ आपसे कि अरविंद केजरीवाल की एब्सेंस में आज हमने देखा सुनीता केजरीवाल भी पहली दफा पॉलिटिकल मोड में नजर आई, क्या ये बेहतर फॉर्मूला होगा? क्योंकि सुशील कुमार रिंकू का जाना, और ये पहली बार हुआ अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो आम आदमी पार्टी अभी तक इंटैक्ट थी, जिसमें कभी टूट नहीं दिखी, वो पहली बार बिखरते हुए दिख रही है, बेहतर होगा कि सुनीता केजरीवाल कमान संभाल ले? ये हो सकता है क्या? एक्चुअली ये रिवर्स है, भारतीय जनता पार्टी को इसी बात की खुजली हो रही है कि उन्हें लगा था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे उसके बाद पार्टी तितर बितर हो जाएगी। नहीं, हो भी रही है, आपके सांसद इकलौते सांसद चले गए। आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों में, पंजाब की सड़कों में, देश भर की सड़कों में किस तरह से एकजुटता के साथ, किस तरह से मजबूती के साथ, आम आदमी पार्टी के नेता छोड़िए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दिल्ली पुलिस को परेशान करके रखा हुआ है, जिस तरह से लेकिन पंजाब में धक्का लगा ना आतिश, देखिए आप इस बात को समझिए, विधायक भी जाने शुरू हो गए। देखिए, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी और पंजाब में भी, जिसे अंग्रेजी में एक फ्रेज कहते हैं ब्रूट मेजोरिटी, एक ब्रूट मेजोरिटी है। देखिए, कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति है जो कमजोर निकला, जिसके परिवार ने प्रेशर बना दिया, हम कभी भी 100% लोगों की 100% गारंटी नहीं ले सकते। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हर तरह के लोग आते हैं। आप इस बात को समझिए कि जब ईडी और सीबीआई की धमकी आती है, जब जेल जाने की धमकी आती है, सिर्फ एक नेता नहीं, सिर्फ एक विधायक और सांसद नहीं, उनके परिवार भी इस बात को झेलने की हिम्मत नहीं रखते। और इसी में आम आदमी पार्टी के नेताओं को अगर आप देखिए, तो मैं तो चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे संजय सिंह जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन जी हों, और चाहे अरविंद केजरीवाल जी का परिवार हो, मैं उनको सलाम करती हूँ। किसी परिवार के लिए आसान नहीं है। आज सत्येंद्र जैन तो जी की भी गिरफ्तारी का की बात कर रही है कि हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो, कल ही आपने स्टेटमेंट दिया। हो सकता है किसी का हो सकता है मेरा हो सकता है दुर्गेश पाठक का हो सकता है राघव चड्ढा का हो सकता है आपको सौरभ भारद्वाज का हो। देखिए, अब इसका कोई लीगल कारण नहीं बचा है। जिस तरह से विपक्ष के खिलाफ हमला हो रहा है, आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, ये आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ है, पॉलिसी का जो केस है, उसमें मुझे मेरी जितनी जानकारी है उसमें आपके पास कोई पोर्टफोलियो उस समय नहीं था। लेकिन आज के दिन में फर्क नहीं पड़ता, संजय सिंह के पास क्या पोर्टफोलियो था, वो तो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए भी नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया।
संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ संसद में सबसे बुलंदी से आवाज उठाते थे, वरना उनका दिल्ली सरकार की किसी पॉलिसी से क्या लेना देना है। लेकिन वो जेल में है। सत्येंद्र जैन जी 1.5 साल से जेल में है, मनीष सिसोदिया जी 1 साल से ज्यादा से जेल में है। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की और उनके परिवारों की हिम्मत है कि इतने लंबे समय के बाद भी वो टूटे नहीं है, वो झुके नहीं है। लेकिन आतिशी, वो अदालतों पर तो भरोसा रखते हैं आप, ये बड़ा जेन्युइन सा और जनरल सवाल है, लेकिन जेन्युइन सवाल है, अदालतों पर तो भरोसा रखते हैं आप। देखिए, आप इसके बाद मुझसे पूछेंगी कि अगर ये बेगुनाह है तो इनको बेल क्यों नहीं मिली, यही पूछेंगी ना। वही मैं कह रही हूं, जनरल। लेकिन इसके लिए देखिए, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने इस देश के इतिहास को देखा है, केसेस को देखा है। इस देश में PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, पहला ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। तो आप ये मान रही हैं आतिशी? नहीं गरिमा जी, पूरी बात सुनिए। देखिए, ये आपके दर्शकों को भी जानना जरूरी है क्योंकि ये सवाल दर्शकों का भी बार बार उठता है। PMLA एक ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। क्रिमिनल जस्टिस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को ये ओवरटर्न कर देता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। क्रिमिनल जस्टिस कहता है बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। PMLA में दोनों उल्टा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन, राइट। तो ये ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बना? तब बना जब देश में मनी लॉन्डरिंग के माध्यम से आतंकवाद का खतरा था, ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा था, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग कानून बना। तो लेकिन आज मान रही है, लेकिन आज इस कानून को ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए नहीं यूज किया जाता, इसको आज आतंकवाद यूज रोकने के लिए नहीं यूज किया जाता, इसको सिर्फ विपक्ष को रोकने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस कर दो। PMLA में क्यों किया है? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेल मिल जाती है। वो कहते हैं मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचार के कानून में केस करो। कहते हैं सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी है, तो आतिशी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि PMLA में बेल नहीं मिलती है, इसलिए PMLA में केस होते हैं। जो PMLA में एक बार जेल चला गया, वो कब बाहर आएगा इसकी कोई भी, तो यानी कि ये मानकर चले आपने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली लगाई थी वो आपने विथड्रॉ कर ली, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया नहीं, आप ये मानकर चल रही हैं और पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी इसी आधार पर तय हो रही है कि टिल दी लोकसभा इलेक्शन, टिल जनरल इलेक्शन, अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी, ऐसा मानकर चल रही है पार्टी? देखिए, ये बिल्कुल संभव है। आज जो विपक्ष में हमला है, देखिए जिस तरह की चीजें आज भारत में हो रही है ना, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाज अ नॉर्म, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं ऐसा? बांग्लादेश में सुनते हैं, पाकिस्तान में सुनते हैं, सूडान में सुनते हैं, साउथ अफ्रीका में सुनते हैं कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, वहां पे एक तानाशाह टाइप का नेता है। आप नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र करते हैं? हाँ, मैं नॉर्थ कोरिया, नहीं नॉर्थ कोरिया में तो उन्होंने बहुत पहले डेमोक्रेसी खत्म कर दी, लेकिन इन सब देशों में तो अभी भी नाम मात्र के जैसे चुनाव होते हैं। अभी हमने देखा शेख हसीना जी ने सारे अपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, फिर चुनाव जीत गए। पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, पार्टी डीरजिस्टर कर दी, उनका सिंबल ले लिया। बड़ी बात कह रही हैं आतिशी आप, आप इंडियन डेमोक्रेसी को जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मैं आज कह रही हूँ आपकी तुलना पाकिस्तान से कर रही, बिल्कुल आज भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान बना दिया है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुनाव की घोषणा के बाद आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो। बहुत सारे कभी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हुए देखे, ये कभी नहीं हुआ कि आप चुनाव के समय एक विपक्षी, मेजर विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील कर दो। ये कभी नहीं हुआ कि आप अन्य पार्टियों का, लेफ्ट पार्टियों को इनकम टैक्स नोटिस देना शुरू कर दो। ये कभी नहीं हुआ कि आप पिछले एक हफ्ते से एक राष्ट्रीय पार्टी का सिक्योरिटी के नाम पे ऑफिस सील कर दो, बैरिकेड कर दो। अगर आप हमें, हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे, अगर आप विपक्षी पार्टियों के पैसे को सीज कर लेंगे, अगर आप उनके ऑफिसेज बंद कर देंगे, तो विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा? आज भारत के लोकतंत्र को बहुत गहरा खतरा है। आज भारत के लोकतंत्र पे जो हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये हमला आज तक इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, पूरी दुनिया। लेकिन इतने बड़े हमले के वक्त पे आतिशी, मैं पूछ रही हूँ कि डेमोक्रेसी पर हमला है, ओपोनेंट पार्टीज पर हमला है, राघव चड्ढा कहाँ है? सबसे बड़े संकट के दौर में पार्टी है,
और पार्टी के टॉप मोस्ट 10 चेहरों में से एक चेहरा यहाँ आपके साथ नहीं। देखिए राघव चड्ढा जी मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी से मेरे ख्याल से 10 दिन पहले यूके गए थे, जहाँ पे उनकी कोई आंख की काफ़ी मेजर सर्जरी होनी थी, और मेरा ख्याल है कि शायद जिस दिन मुख्यमंत्री जी गिरफ्तार हुए हैं उसे एक या दो दिन पहले उनकी सर्जरी हुई है। अभी वो एक रिकवरी फेज में है, वो जरूर दिल्ली आएंगे जल्दी। बेहतर है क्या कि इस फेज में सुनीता केजरीवाल आगे बढ़े और लालू मॉडल जो था बिहार मॉडल वो इम्प्लीमेंट करे पार्टी और सेंटीमेंट भी जुड़े, क्योंकि वो भावनात्मक अपील लगातार कर ही रही हैं, तो एक सेंटीमेंट वाला जो आपका सिंपैथी वाला जो टर्नआउट है। हम इस बात पे बिल्कुल साफ हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। जितनी भी कोशिश कर ले चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे मीडिया के लोग कि आम आदमी पार्टी में किसी तरीके से कोई फूट पैदा करें, कोई सनसनी पैदा करें, ऐसा होने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सिपाही बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, चाहे हमें सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे हमें न्यायालय में लड़ना पड़े। क्यों नहीं चलेगा? जब तक अरविंद केजरीवाल जी को इस झूठे केस से रिहाई नहीं मिलती है तो संघर्ष तो चलेगा ना, वरना आप मुझे बताइए एक के बाद एक हर विपक्षी नेता पे हमला होगा। जैसे एक के बाद एक ऑपरेशन गोवा से शुरू हुआ 2017 में, विधायकों को तोड़ना, उनकी खरीद फरोख्त का सिलसिला आज आके एक वेल एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशन लोटस हो गया है। राम माधव जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नाटका का जब स्टेट इलेक्शन हो रहा था एक टीवी चैनल पे आते हैं, कहते हैं उनसे वहाँ पे एंकर ने पूछा, उन्होंने कहा हम सरकार बनाएंगे, एंकर ने पूछा कि जी आपकी तो मेजॉरिटी नहीं है तो आप कैसे सरकार बनाएंगे, वो प्राइम टाइम टेलीविजन पे कहते हैं हमारे पास अमित शाह है। ये डिक्लेरेशन है कि हम विधायकों को तोड़ेंगे, हम विधायकों को धमकाएंगे, हम पार्टियां तोड़ेंगे, हम संविधान के खिलाफ जाएंगे। लेकिन उसी तरह से आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, लेकिन शिकायत आतिशी बार बार इस बात की, आपने भी इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 25 करोड़ का ऑफर है, लेकिन बीजेपी ने बाकायदा उस पर एक मूवमेंट चलाया कि बताइए कौन है, नंबर दीजिए, उस पर पार्टी खामोश हो गई। वही लोग जो गोवा में जिन्होंने सरकार गिराई, वही लोग जिन्होंने मध्य प्रदेश में गिराई, वही लोग जिन्होंने मणिपुर में गिराई, वही लोग जिन्होंने कर्नाटका में गिराई। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग में, आप मुझे बताइए आज चुनाव आयोग क्या रह गया है, कहाँ रह गया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जरा सोचिए। तो जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम मैं भूल रही हूँ, जिन्होंने अभी रिजाइन किया कुछ दिन पहले, अरुण गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के हैंड पिक्ड इलेक्शन कमिश्नर, एक इलेक्शन कमिश्नर जिसका इन्होंने सिलेक्शन 24 आवर्स में पुश थ्रू किया था, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची थी, लेकिन सरकार डटी रही थी कि नहीं हमें इन्हें बनाना है। तो आप सोचिए अरुण गोयल जी को ऐसा क्या कह दिया जो उनका आदमी था, भारतीय जनता पार्टी का हैंड पिक्ड आदमी था, अरुण गोयल को ऐसा क्या कह दिया करने को जो भारतीय जनता पार्टी का अपना आदमी नहीं कर पाया। लेकिन आतिशी फिर ये क्या एक हिस्टोरिकल टाइम हो सकता है, क्योंकि इतने सारे आरोप सिर्फ आपके नहीं हैं, पूरे विपक्ष के हैं, कंबाइंड आरोप हैं, तो सारे लोग मिलकर आज जो रैली कर रहे हैं वो सब मिलकर कह दें कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं इलेक्शन का, यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन दी, जैसे मैंने कहा, स्वायत्त संस्थाएं, तो फिर बॉयकॉट करें कि चलिए ठीक है एक इतिहास में दर्ज होगा। हम क्यों थाली पे रख के चुनाव भारतीय जनता पार्टी को देने, हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे भी। आज आप देखिए जितनी, मैं तो दिल्ली की बात कर रही हूँ, जितनी सिंपथी आम आदमी पार्टी को आज दिल्ली में मिली है अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक भी सीट जीत के दिखा दे आज, सातों सीटें हमेशा पिछले दोनों चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को गई, 50% से भी ज्यादा वोट आप लोगों के सारे सर्वे भी दिखा रहे थे कुछ समय पहले तक। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक सीट भी जीत के दिखा दे, नहीं जीत सकती। 60% का वोट शेयर है। आज रामलीला मैदान में जो लोग आए थे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, दिल्ली के अलग अलग हिस्से से लोग आए थे। क्यों? यहाँ पे महिलाएं खड़े होकर बोल रही थी अरविंद केजरीवाल मेरा बेटा है, अरविंद केजरीवाल मेरा भाई है, उसने मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, उन्होंने मुझे फ्री इलाज दिया है, मुझे तीर्थ यात्रा पे लेके गया है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, इसीलिए बार बार
हर प्रहार के बाद भी दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहते हैं। आतिशी, मैं टेक्निकल सवाल आपसे पूछ रही हूँ और चाहती हूँ कि उसका उतना ही टेक्निकल जवाब दें आप, क्योंकि शायद ये सवाल मेरे सारे दर्शक भी इसका जवाब चाहते होंगे। अगर ये लिंगर ऑन होती है, जमानत बेल लिंगर ऑन होती है, तो यकीनन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आएगा। तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट रूल, क्या आम आदमी पार्टी स्ट्रेटजी पर भी काम कर रही है कि कोई एक नॉमिनेशन क्यों आएगा? क्यों नहीं चल सकती जेल से सरकार? क्यों नहीं जा सकती जेल में फाइलें? क्यों नहीं मिल सकती है जेल में कैबिनेट की परमिशन? क्योंकि देखिए, इस देश का कानून बहुत क्लियर है। इस देश के कानून में दो प्रोविजंस हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की कन्विक्शन होती है तो आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते। दूसरा, इस देश का कानून ये कहता है कि आप मुख्यमंत्री तब नहीं रह सकते हैं व्हेन यू डू नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ये दोनों टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं इस देश में मुख्यमंत्री रहने की। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल का कन्विक्शन नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल तो चार्जशीट तक नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली, लेकिन नंबर 1, नंबर 2, ही एंजॉयज द ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द दिल्ली असेंबली इन दिस सर्कमस्टेंस। और देखिए, जहां पे राष्ट्रपति शासन की भी बात है, राष्ट्रपति शासन एक ऐसा दौर था 80s में जब बहुत सारे स्टेट्स में बार बार राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद ये मामला कई बारी सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत क्लियर कट चीज कही है, एसआर मुंबई जजमेंट की बात, राष्ट्रपति शासन सिर्फ तभी लग सकता है व्हेन देयर इज नो अदर वे आउट। इन दिस केस आप मुझे बताइए, क्यों नहीं जा सकती हैं फाइलें जेल में? क्यों नहीं? जब वो क्या थे, सहारा के सुब्रत रॉय अपना ऑफिस चला सकते लेकिन हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं थे, दिल्ली के पद पर नहीं थे, इसलिए पद और गोपनीयता की शपथ नहीं थी। तो इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि जो संवैधानिक पद पर है उसको संवैधानिक पद चलाने के लिए फैसिलिटेट किया जाए। क्यों नहीं चल सकती है जेल? आपकी फाइलें जानी है, फाइलें चली जाएंगी। अगर कैबिनेट की मीटिंग होनी है तो कैबिनेट की मीटिंग होगी जेल में। आप कह रही हैं कि कैबिनेट की मीटिंग आप जेल में करेंगे? आप दिल्ली की जनता से पूछिए, आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के लोगों की एक सुर में आवाज आएगी, चाहे अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो इससे लोकसभा की ड्राइव आपकी, तो इसलिए हमारे पास पब्लिक का कॉन्फिडेंस है। हम जनता के जनादेश के खिलाफ जाकर, दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, तो हम दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ कैसे जाएं? आतिशी, इस बार 2024 का चुनाव आप कह रही हैं कि 14 और 19 के बाद हिस्टोरिकल होगा, क्योंकि 14 में आपने आपको खारिज कर दिया दिल्ली की जनता ने लोकसभा इलेक्शन में, 19 में खारिज किया, क्लीन स्वीप हुआ 14 में भी साथ के साथ बीजेपी और 19 में भी साथ। और इस बार मैं आपको कह रही हूँ कि दिल्ली की 7 सीट इंडिया अलायंस को जाएंगी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से जाएंगी, दिल्ली के लोगों का जो अरविंद केजरीवाल के प्रति प्यार है उसके प्रति उसकी वजह से जाएंगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, उसकी वजह से 7 सीट इंडिया अलायंस को जाएगी। हाइपोथेटिकल सवाल आतिशी अंत में, कि आपको अगर कहा जाए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि मनीष सिसोदिया इस तरीके से उनकी अरेस्टिंग होगी और आपको उनके मंत्रालय मिलेंगे, अब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद हाइपोथेटिकली अगर कहा जाए कि भैया आप संभालिए मुख्यमंत्री की कमान, आपको संभालिए, मैंने जैसे आपको कहा, स्वीकार करेंगे आप? मैंने जैसे कहा कि अभी समस्या क्या है कि मीडिया वालों को कोई हेडलाइन नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी ऐसी एकजुटता से मिलकर काम कर रही है कि कोई सनसनी नहीं पैदा हो रही है। देखिए, स्वीकार करेंगे आप? और मैं इसका जवाब आपको पहले ही दे चुकी हूँ। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वही कहें और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, वो दिल्ली के जनादेश का कैसे अपमान कर सकते हैं जब दिल्ली की जनता चाहती है। आज रैली में भी किसी ने पूछा, आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं, मुझे नहीं ख्याल किसी ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। वहां पे कांग्रेस के भी वर्कर थे, सबने कहा नहीं। दिल्ली की हम इनफैक्ट, क्योंकि ये गिरफ्तारी पिछले कई महीनों से ऑन द कार्ड्स थी, बार बार बात हो रही थी, तो जहन में बिल्कुल नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और आतिशी भी उतनी ही लोकप्रिय महिला कैबिनेट मंत्री। आप एक दिल्ली के लोगों का सेंटिमेंट देखिए, वो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं मानते,
आप दिल्ली की सड़कों पर जाइए, वहाँ की बुजुर्ग महिलाएं अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानती हैं। बहुत सारी दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानती हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि केजरीवाल अगर कह दे तब तो वॉयलेट नहीं करेंगी आप। अरविंद केजरीवाल जी को भी तो दिल्ली की जनता की बात माननी होगी, उनको भी दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है। तो जब दिल्ली की जनता कह रही है इस्तीफा नहीं देना है तो अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा देंगे? तो 25 मई आपके लिए, देखिए हम तो उम्मीद करते हैं, हम ही उम्मीद करते हैं कि न्यायालय इस ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, इस देश के लोकतंत्र को भी न्याय देगा। क्योंकि आज सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है, आज सवाल इस देश के लोकतंत्र का। जब जब भी लोकतंत्र पर खतरा आया है, हमारे देश के न्यायालय, हमारे देश के कोर्ट्स, खास करके सुप्रीम कोर्ट, देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए खड़े रहे हैं। ये अच्छा गुड पॉजिटिव नोट है आतिश, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, खास करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आज जो ईडी का प्रयोग ऑपोजिशन को ख़त्म करने और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को रोकने के लिए किया जा रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश का जो न्यायालय है, हमारे देश के संविधान की और हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। थैंक यू सो मच आतिशी, और सारे सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए भी, और बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिन पर क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी था, मसलन जेल से सरकार कैसे चलेगी, क्या सुनीता केजरीवाल चेहरा होंगी अगला, और क्या आतिशी को भी अगर ये मौका मिले तो वो स्वीकार करने की स्थिति में है। तो बहुत सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और लोकसभा में 7 की 7 सीटों पर जीत का दावा दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का। बहुत बहुत धन्यवाद आतिशी, थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए।